चलिए निश्रया में आज बनाते हैं बहुत ही आसानी से बनने वाले पनीर के टोस्ट। तो एक बोल में हमने लिया है शेजवान चटनी, उसमें डाला है पनीर, थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और अगर आप चाहें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन ये आपके टेस्ट पर है। तो नमक डाला, थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये तो तैयार हो गया पनीर का मिक्स। अब बटर लगाएंगे ब्रेड स्लाइसेस पर, तो थोड़ा थोड़ा सा जो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ सॉल्टेड बटर है वो इस तरह से ब्रेड पर स्प्रेड करें। इसे टेस्टी और चीज़ी बनाने के लिए आप चाहें तो ऊपर से एक चीज़ स्लाइस भी लगा दें, और ऊपर इसके डालेंगे जो पनीर का मिक्स तैयार किया है, थोड़ा सा ऊपर से डालें। अब इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़, तो थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ को ऊपर से डालें। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालें और ओरिगेनो सीजनिंग या इटालियन सीजनिंग ऊपर से स्प्रिंकल करें। तो बस ये रेडी है ओवन में बेक होने के लिए। तो ओवन को प्रीहीट करके रखा था 180 डिग्री सेल्सियस यानी कि अराउंड 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अब ट्रे को हमने ओवन में रखा है, 10 मिनट तक इसको बेक होने देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे चीज़ मेल्ट हो चुकी है और दिखने में भी ना थोड़ा से जो ब्रेड है वो सिक करके क्रंची हो गई है। तो चलिए ब्रेड के चीज़ी टोस्ट बन करके तैयार हैं पनीर वाले। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मस्त, बढ़िया, मस्त है।